बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। तो आज बड़ी कलरफुल सी वीडियो है और बच्चों के लिए आज मैं डिजाइंस आपके लिए लेकर आई हूँ। 7 से 8 साल की बच्ची के ये डिजाइंस हैं, मगर आप किसी भी एज ग्रुप की बच्ची के लिए ये बनवा सकते हैं। और ये ऐसे डिजाइंस हैं कि आप अपने लिए भी बनवा सकते हैं। तो वन बाय वन सारे ड्रेसेस देखते हैं डिटेल के साथ। और अच्छी बात ये है कि ये सारे के सारे ड्रेसेस ना कट पीस से तैयार हुए हैं, बिल्कुल कम बजट में। तो आप देखेंगे कि किस तरह से आप कपड़ों को खूबसूरत बना सकते हैं, कम बजट में रहकर प्यारे प्यारे से ड्रेसेस बना सकते हैं अपने लिए और बच्चों के लिए। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दें। आपको ड्रेसेस देख के अंदाजा तो हो ही गया होगा कि बड़े ब्राइट से कलर्स हैं सारे और बहुत ही ब्यूटीफुल से डिजाइनिंग होने वाली है इंशाल्लाह। और हमेशा की तरह बजट में रहकर आपको डिजाइन सिखाऊंगी मैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह से बजट फ्रेंडली और बिल्कुल लो बजट वाले ड्रेसेस आइडियाज आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो चलें अब वन बाय वन ड्रेसेस देखना स्टार्ट करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस सी ग्रीन कलर के ब्यूटीफुल से ड्रेस के साथ। और इंतहा खूबसूरत बना है ये, और इसमें आपको आइडिया मिल रहा है कि किस तरह से आप प्लेन और प्रिंटेड फैब्रिक को मिलाकर अपनी बच्ची के लिए ब्यूटीफुल सा ड्रेस तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें, ऊपर का कपड़ा जो है ना प्लेन है, कॉटन स्टफ पर है ये, और साथ में जो इसके लगाए हैं ना ये लॉन का फैब्रिक है। तो पहले भी मैंने आपको बताया है कि लॉन, कैम्ब्रिक, लिलन, कॉटन, ये सारे फैब्रिक्स ऐसे हैं कि आप इनको आपस में कंबाइन कर सकते हैं, मिलाकर डिजाइंस बना सकते हैं। अच्छा, साथ में ना ये इसके छोटा सा दुपट्टा मैच किया है नेट का, ये साइड पे रख देती हूँ। अब इसे ईद का लुक देने के लिए ना, अच्छा सबसे पहले ये बता दूं कि कलर इसमें ना अच्छा नहीं आ रहा, ये बिल्कुल खिलता हुआ ब्राइट सा जो है ना सी ग्रीन कलर है, बट कैमरे में पता नहीं क्यों अच्छा नहीं आ रहा। तो बना कुछ यूं है कि ऊपर ना इस तरह से सीधी योग बनाई हुई है लंबी, ये 7 से 8 साल की बच्ची के लिए है। मैं आपको साइजिंग भी बता देती हूँ ताकि आपको अंदाजा हो, ये 18 इंच का जो है ना तैयार आ रहा है योग इसका, ठीक है, थोड़ा सा लंबा बनाया हुआ है। अच्छा, ये ड्रेसेस आज के मैं बता दूं कि आज के तीनों ड्रेसेस मैंने तैयार नहीं किए, ये मेरी नंद ने बनाए हैं अपनी बेटी के लिए, ठीक है। और बहुत प्यारे हैं सारे ड्रेसेस, प्यारे थे तो मैंने कहा क्यों ना शेयर करूं, आप लोग बड़ों की भी डिजाइनिंग मांगते हैं ना मुझसे बड़ी बच्चियों के लिए, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए डिजाइन। ईद वाला लुक देने के लिए ना इस पे ये ट्राइंगल वाली लेस ली है गोल्डन कलर में, ऊपर देख लेंगे फ्लैट कॉलर बनाया है इसका, इसी कपड़े का जिससे डिजाइनिंग की है, ठीक है। फिर सामने ये कट रखा है और कट के साथ ना टिच बटन लगाए हैं ताकि वेयर करवाने में आसानी हो। फिर देख लें ये जो कट है ना, यहीं पर दो लाइंस में जो है लेस लगा दी है गोल्डन, फिर उसके बाद सेंटर में ये मोतियां फिल की हैं। ये मोतियां तो आपको खरीदनी भी नहीं पड़ती ना, आपके बच्चों के अक्सर नेकलेस ब्रेसलेट्स वगैरह टूटते रहते हैं, तो जब टूट जाए ना तो उन्हें संभाल के रखा करें, वो भी यहाँ पर काम आ सकते हैं। अदरवाइज आप बटन्स भी लगा सकते हैं या परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर दो लाइन में ना इस तरह से साइड पर लगाई हुई है लेस इसी तरह से, तो ये कपड़े में एक ब्रेक भी आ गया प्लेन कपड़े में और डिजाइनिंग भी ऐड हो गई और बहुत खूबसूरत लग रहा है। फिर स्लीव्स जो है ना सिंपल स्ट्रेट सीधी रखी हैं, सामने जो है ना इसी की पट्टी लगा दी है प्रिंटेड फैब्रिक की और साथ में यही लेस लगा दी है, तो एक डिजाइन ऐड हो गया स्लीव्स में भी। अब नीचे से आपको घेरा चेक करवा देती हूँ, ठीक है। 18 इंच का ऊपर की बॉडी थी, ठीक है, फिटिंग आपने अपने हिसाब से रखनी है। अब घेरे की लेंथ भी मैं आपको बता देती हूँ, तो घेरा जो है ना ये तकरीबन 14 इंच का है, ठीक है। अच्छा, घेरे की चौड़ाई आपके पास जितना कपड़ा हो आप उतना घेर दे दें। तो ये कट पीस में लिया गया है, ये जो है ना 100 रुपये गज ना, यानी 100 रुपये गज आप मिल रहा था बाजार में। अच्छा, मैं ईद के बाद ना इंशाल्लाह आपको 4-5 बाजारों का विजिट करवाऊंगी जो हमारी तरफ लगते हैं, और वहां पर कट पीस बड़े अच्छे मिलते हैं। आप हमेशा मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बाजार का विजिट करवाऊं, रमजान में तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, तो इंशाल्लाह ईद के बाद मैं आपको लाजमी विजिट करवाऊंगी, ठीक है। फिर घेरे के नीचे भी यही लेस लगा दी है पूरी इस तरह से, और साथ में ना इसी कपड़े की एक बो बनाकर यहाँ लगा दी है साइड पे। अच्छा, एक बो लगनी और बाकी है, तो वो डिजाइनिंग कर रही थी, बस मैं उनसे लेकर आ गई कपड़े, जल्दी से आप लोगों को दिखा दूं। तो एक बो जिस तरह ये यहाँ लगाई है ना, इससे थोड़ी से छोटे साइज में एक बो यहाँ लगानी है, ठीक है। तो आपने इस तरह से डिजाइनिंग करनी है, उन्होंने भी कहीं से सर्च करके डिजाइन निकाला है पिंटरेस्ट वगैरह से, ठीक है। अब ये ट्राउजर साथ में इसके बनाए हैं, सिंपल सा, थोड़ा सा लूज, बच्चों को कंफर्टेबल कपड़े पहनाना सही रहता है ना, कि वो कंफर्ट होके घूमे,
तो ये देखें, और नीचे जो है ना इसी की पट्टी लगा दी है, साथ में फिर यही लेस लगा दी है इसको फॉर्मल टच देने के लिए। तो देखें कट पीस के साथ इतना खूबसूरत ड्रेस रेडी हो गया, और बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये घर में स्टिच हुआ है, बिल्कुल रेडी टू वेयर लग रहा है। आपने स्क्रीनशॉट लेना है ना तो आप इस तरह से ले लें, और ये साथ में फिर ना मैचिंग का दुपट्टा नेट का, ये कट पीस मिल जाते हैं नेट के भी, ये साथ में इसके मैच कर लिया। ठीक है, ये ड्रेस हो गया, अब दूसरा ड्रेस देखते हैं। अच्छा, अब ये सेकंड ड्रेस देखें, पिछली जो है मैंने आपको फ्रॉक दिखाई थी, ये कुर्ती का डिज़ाइन है। ठीक है, तो बच्चियों पे जब थोड़ी बड़ी हो रही होती है ना, बच्चियाँ ग्रोइंग एज पर हो तो उन पे अच्छे लगते हैं इस तरह से कुर्ती पजामा। ठीक है, बड़ों वाले कपड़े पहनने का वैसे भी बच्चियों को बड़ा शौक होता है ना, और ये डिज़ाइन ऐसा है ना कि आप अपने लिए भी बनवा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन है बट बहुत खूबसूरत है। तो ये भी कट पीस परचेज किया था बाजार से, और इसके साथ फिर मैच करके ना येलो कलर का ट्राउजर परचेज किया, क्योंकि पर्पल और येलो का बड़ा अच्छा सा कॉम्बो बनता है ना। ये येलो नहीं है, मस्टर्ड कलर है। ठीक है, तो मस्टर्ड के साथ ही ना मैच करके फिर ये लेस खरीदी। ये लेस आपको 15 से 20 रुपए गज में आराम से मिल जाती है। अच्छा, ऊपर देख लें कि बोट नेक बनाया हुआ है, और बोट नेक बनाने के बाद ना सामने इस तरह से स्लिट रखी है, स्लिट में टिच बटन लगा दिए हैं, अंदर येलो पट्टी लगाई है जो कि थोड़ी थोड़ी सी नजर आ रही है, तो बड़ी अच्छी लग रही है। ठीक है, तो ये टिच बटन इसलिए लगाए हैं कि पहनने में आसानी हो। और ये देखें, फिर उसके बाद क्या किया कि 1.5 इंच के गैप से ना ये लेस लगाई। ठीक है, पहले बोट नेक कट कर लेना है आपने, स्लिट वगैरह बना लेनी है, ये लेस लगानी है पहले, फिर जो है ना 3 साढ़े 3 इंच के गैप पे ये वाली लेस इस तरह से लगानी है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका नेक तैयार हो जाएगा। यही नेक आप अपने लिए भी बनवा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। आप चाहे तो यहाँ ऊपर भी कोई बटन्स वगैरह लगा सकते हैं, बट ये सिंपल ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, थोड़ा सा आप फॉर्मल टच देना चाहते हो तो यहाँ पर और यहाँ पर भी एक एक टसल लगा सकते हैं, बट ऐसे भी बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, साथ साथ मैं थोड़े बहुत आइडियाज आपको देती रहती हूँ ताकि आप वेरिएशन करके अपनी मर्जी से ड्रेस डिजाइन कर सकें। स्लीव्स इसकी भी सिंपल रखी हैं, तो सामने यही लेस लगा दी है जस्ट। ठीक है, अब दामन देख लें, दामन पे भी आगे और पीछे यही वाली लेस लगाई है, स्लिट इसकी नॉर्मल रखी है, ना छोटी ना बड़ी, इस तरह से हो गया। अब साथ में इसके भी ट्राउजर देख लें, ट्राउजर जो है मस्टर्ड कलर का, और इसके साथ भी यही लेस ऐड कर दी है ताकि थोड़ा सा ट्राउजर भी एम्बेलिश हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया, आपने स्क्रीन शॉट लेना है तो इस तरह से ले सकते हैं, और ये डिज़ाइन आप अपने लिए भी बनवा सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगा। सिंपल सी डिज़ाइनिंग है बट बहुत खूबसूरत है। ये ड्रेस देख लें, ये भी बड़ा ब्राइट सा कलर है, शॉकिंग पिंक का बहुत खिलता हुआ शेड है, और साथ में इसके भी ये मैचिंग का दुपट्टा परचेस किया है, और ये है क्रिंकल शिफॉन का। ठीक है, तो इसकी डिज़ाइनिंग भी, ये भी कट पीस से परचेस किया गया है, और इसे किस तरह डिज़ाइन किया, चिकनकारी का ये पीस रखा हुआ था काफ़ी टाइम से, ये उन्होंने इस तरह से नेक पर सेट कर दिया, साथ में ये शॉकिंग पिंक कलर के बटन्स ले लिए, फिर ये लेस ले ली, थोड़ी सी आउट कलर की इससे रखी ताकि थोड़ी सी नज़र आए, विजिबल हो। ठीक है, तो लेस कुछ इस तरह से लगाई है कि ये देखें, ऊपर से ना ये हल्का सा राउंड करके लगाया है। ठीक है, नीचे जाके सीधा, बट ऊपर से ना नेक के साथ जिस तरह ये बोट नेक बना हुआ है, और पाइपिंग लगाई हुई है इसमें प्लेन इसी फैब्रिक की। ठीक है, और ये साथ साथ ना राउंड के साथ लगाना शुरू किया है, फिर यहाँ लाके इसे सीधा कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले ना बोट नेक कट करने के बाद आपने ये पेस्ट करना है, फिर आपने ये पाइपिंग करनी है, उसके बाद आपने ये लेस लगानी है। ठीक है, फिर साइड पे जो है ना, ये ए लाइन फ्रॉक है, और साइड पे इस तरह से देखें पैनल वाला लुक देने के लिए जो है ना ये लेस लगा दी है, साइड पे रखकर ऊपर से ही। ठीक है, इसे ज्वाइनिंग लेस है लेकिन ज्वाइन करके नहीं लगाया, जस्ट ऊपर से रखकर स्टिच कर दिया है। आप चाहें तो इसे ज्वाइंट करके भी लगा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो कपड़े को एक ब्रेक भी आ गया, और ऐसा लग रहा है कि कलियां लगाई हुई हैं जबकि कलियां नहीं हैं। फिर इसी फैब्रिक से मैच करके ना ये ब्लैक लेस लगाई है, बहुत प्यारी सी, ये देखें दामन में इस तरह से। तो जितना घेर इसका बन सकता था ना उतना रखकर, और हल्की सी ए लाइन शेप में, और बंद स्लिट्स हैं इसकी। ठीक है, स्लिट्स इसकी ओपन नहीं है, और ये लेस आगे भी लगाई है और पीछे भी लगाई है। अच्छा, स्लीव्स इसकी देख लें, इसकी भी सिंपल है, तीनों ड्रेसेस की स्लीव्स एक ही जैसी हैं ताकि कंफर्टेबल सी रहे। ये देख लें, इस पे भी ऐसे ही है, और इस पे थोड़ा सा ना जोड़ आ रहा है, तो जोड़ पे कोई लेस वगैरह नहीं लगाई, ओवर डिजाइनिंग नहीं की। अब इसके साथ का ट्राउजर मैं आपको दिखा देती हूँ, ट्राउजर जो है ना सिंपल इसका भी स्ट्रेट बनाया है, बॉक्स ट्राउजर,
और इस पे ना यही चिकनकारी का पीस जो कि नेक पर लगाया था वही पैंचों पर लगाया है, दोनों पैंचों पर इसी तरह से, और फिर नीचे जो है लेस रख कर लगा दी है जो कि दामन पर लगाई थी। ठीक है, तो ब्यूटीफुल सा ये ड्रेस भी रेडी हो गया। स्क्रीन शॉट लेना है तो आप इस तरह से ले सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, ये आप अपने लिए भी बनवा सकते हैं, बच्चियों के लिए भी बनवा सकते हैं। बैक साइड बिल्कुल प्लेन है, जस्ट जो है ना पीछे एक स्लिट रख के और ये डोरी लगा दी है ताकि गला पहनने में आसानी हो। बच्चों के गले छोटे बनाने होते हैं और पीछे इस तरह से कट वगैरह लगा दें, किसी में बटन्स लगा दें, किसी में डोरी लगा दें, किसी में जिप लगा दें, तो इस तरह से वेरिएशन करके आप बैक साइड की डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपको तीनों ड्रेसेस में से कौन सा ड्रेस सबसे ज्यादा पसंद आया है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना, बच्चों का, बड़ों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियां बांटिएगा। अल्लाह हाफिज़।